नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। गुजरात के तट से टकराने से पहले ही चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने तटीय इलाकों में मचाई तबाही। कच्छ और भुज में 3 की मौत। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट। तटीय इलाकों में धारा 144 लागू। तटीय इलाकों में उठ रही लहरें। महातूफान बिपरजॉय को लेकर सरकार अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। रेलवे ने 60 से अधिक ट्रेनें रद्द की। 15 जून को गुजरात के तट से तूफान के टकराने का खतरा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डूंडा में बताया जा रहा है। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू यादव पर कसा तंज। कहा पूर्व मंत्री ने जमीन के बदले दी नौकरी। विपक्ष शासित राज्यों में बताया नौकरी का रेट कार्ड। बिहार में फिर राजनीतिक उथल पुथल। जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश सरकार में मंत्री पद से दिया इस्तीफा। एनडीए में शामिल होने की अटकलें। अमित शाह से जीतन राम मांझी ने की थी मुलाकात। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जयपुर में सड़क पर उतरी भाजपा। सचिवालय का किया घेराव। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर सियासत तेज। कमलनाथ ने पूछा सवाल, लगी आग या लगाई गई है? सरकार का पलटवार, बोले नरोत्तम मिश्रा। संकट में राजनीति का अवसर तलाशती है कांग्रेस। सतपुड़ा भवन में आग से खुली सरकार को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों की पोल। फायर ऑडिट को लेकर भी उठे सवाल। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। 3 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जारी है शिवराज सरकार की सौगातों का बौछार। किसान सम्मान निधि में 2000 का इजाफा। रामगढ़ में किसान महाकुंभ में शिवराज का ऐलान। अब साल में मिलेंगे 12000। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोनावला के पास भीषण हादसा। केमिकल ऑयल टैंकर में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। 3 हुए घायल। यातायात पर भी हुआ असर। हिंसा प्रभावित मणिपुर में इम्फाल ईस्ट जिले के खामिनलोक क्षेत्र में उग्रवादियों तथा ग्रामीण स्वयंसेवकों के बीच गोलीबारी। गोलीबारी में 9 लोग घायल। गांव के स्वयंसेवकों ने उग्रवादियों द्वारा बनाए गए कुछ अस्थायी बंकर और एक वॉच टावर में लगाई आग। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा दिल्ली पंजाब और हरियाणा में आने वाले दिनों में तापमान 40 से 45 डिग्री के पास पहुंच सकता है। इस समय बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हीट वेव जारी है। आने वाले 5 दिनों में इन हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। धर्मांतरण मामले में गाजियाबाद के एसपीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा बद्दो उर्फ शहनवाज को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पाटोले ने कहा ट्विटर के पूर्व सीईओ जो कह रहे हैं वह एकदम सच होगा। आज सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वह सब जानते हैं। भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के आवास पर छापा मारा। फिलहाल चेन्नई, करूर और अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कुपवाड़ा जिले के डोबनार मचल में सीमावर्ती क्षेत्र में सेना और कुपवाड़ा पुलिस के संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने विपक्ष की एकता को लेकर कहा हमारी भूमिका इसमें बहुत कम है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी सीटें भी जीत जाती है तब भी 6 सीटों से ज्यादा हमारा असर नहीं रहेगा। पहले वे लोग यूनिटी की बात करें, फिर हम यूनिटी की बात करेंगे। शेयर बाजार में 400 से ज्यादा अंकों की उछाल। सेंसेक्स 418 अंक की छलांग के साथ 63,143 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 115 अंक की बढ़त के साथ 18,716 अंक पर हुआ बंद। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल बनकर है तैयार, लेकिन रिलीज टलते जा रही है। सूत्रों का कहना है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसे सीधे ओटीटी पर रिलीज करने का बनाया प्लान। दंगल वाले नितेश तिवारी हैं फिल्म के डायरेक्टर। वेब सीरीज असुर का दूसरा सीजन भी बेहद पसंद किया जा रहा है। असुर 3 को लेकर अरशद वारसी ने दे दिया हिंट। कहा मैं भी देखना चाहता हूँ असुर 3। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।